हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे फेस पे जो पिंपल्स हो जाते हैं, जो एक्नी हो जाते हैं, उन्हें हम कैसे जल्द से जल्द ठीक करें। पिंपल्स के जो निशान पड़ जाते हैं, जो स्किन पे एक दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हें हम कैसे रिमूव करें। पिंपल्स और एक्नी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का चेंज होना, पेट में कब्ज का होना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्किन का ऑयली होना, स्किन का ड्राई होना, स्किन का केयर नहीं करना, या हमारा खान पान सही नहीं होना, जंक फूड्स खाना, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो सबसे पहले हमें अपने रीजन्स को जानना है और उन्हें दूर करना है। इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया था डाइट टू रिमूव पिंपल्स एंड एक्ने, जो कि मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जब भी आपको पिंपल्स हो। आज मैं बताऊंगी कि जब भी आपके फेस पे पिंपल हो तो उसे हम कैसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, वो भी होम रेमेडी से, जो आपको सारी चीज़ें घर पे ही मिल जाएगी। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ अपने फेस पे अगर अप्लाई करते हो, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और क्लीन हो जाएगी, पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा आता है एलोवेरा। हम एलोवेरा की लीफ लेंगे। एलोवेरा के एंटी बैक्टीरियल्स गुड हमारे त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ये मृत कोशिकाओं को हटाकर नई परत लाने में हेल्प करता है। एलोवेरा के लीफ को हमें कट्स कर लेना है, उसके जेल को आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आप ऐसा डेली करते हो तो आपके पिंपल तो रिमूव होंगे ही होंगे, साथ में आपके दाग धब्बे भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। सेकेंड टिप्स में हम लेंगे मिंट यानी कि पुदीने का पत्ता। पुदीना एक नेचुरल एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्रश कर लेंगे, इसका पेस्ट बना के आप अपने पिंपल पे अप्लाई कर लेंगे। चाहे तो आप उसे अपने पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, जो कि आपकी ब्यूटी को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड टिप्स में हम लेंगे नीम के पत्ते, जो कि काफ़ी प्राचीन टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, गंदगी को सारे निकाल देता है। इसका पेस्ट बनाएंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी को हम ऐड करेंगे। दोनों का पेस्ट बना के आप अपने पिंपल पे अप्लाई कर लेंगे, इससे आपके पिंपल बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। फोर टिप्स में हम लेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल्स के गुण पाए जाते हैं। इसको क्रश करेंगे, आप पेस्ट बना लेंगे और इसे अपने पिंपल पे अप्लाई कर लेंगे। फाइव में हम लेंगे गुलाब की पंखुड़ी, जो कि आपको नेचुरल्स गुलाब की पंखुड़ी मिलते हैं वही वाले आपको लेने हैं। उसका पेस्ट बना लेना है और उसमें ऐड करना है थोड़े से लेमन जूस। दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। सिक्स टिप्स में हम लेंगे पुदीने का पत्ता, नीम के पत्ता और लेंगे हम तुलसी के पत्ता। तीनों पत्तों में एंटीबायोटिक फंगल्स एंटीबैक्टीरियल्स के गुण पाए जाते हैं, जो कि पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं एक्ने के लिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी में भी ये गुड़ पाया जाता है। सबका पेस्ट बना लेंगे मिक्स करके और उसे अपने पिंपल पे अप्लाई कर लेंगे। सेवन में हम टिप्स में हम लेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अगर आप पाउडर है तो पाउडर ले सकते हैं, नहीं है तो आप उसे क्रश कर लेंगे और पानी में हल्का सा जहाँ पिंपल है आपको सिर्फ वहीं अप्लाई करना है। पूरे फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन पे जलन फील होती है। एट में हम टिप्स में हम लेंगे चंदन। चंदन को हम पेस्ट बना लेंगे या आपके पास ऑलरेडी पाउडर है तो उसको आप गुलाब जामुन में मिक्स कर लेंगे और उसे अपने पूरे फेस पे या पिंपल पे अप्लाई करेंगे। ये भी पिंपल को रिमूव करने में हेल्प करता है। नाइन टिप्स में हम लेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अपने पिंपल्स के ऊपर लगाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके पिंपल्स धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगेगा, आपकी स्किन सुन हो जाती है, आपके पेन को भी ये काफ़ी कम कर देता है। टेन टिप्स में हम लेंगे चंदन ऑयल। अगर आपको मिल जाता है तो आप ये अपने पिंपल पे अप्लाई करें, ये भी पिंपल्स को बहुत जल्द रिमूव कर देता है, धीरे धीरे आपके स्किन को ये रिपेयर कर देता है। उसके बाद से हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। मुल्तानी मिट्टी में हम ऐड करेंगे हनी और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे हम लेमन जूस। ये आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और डस्ट को निकाल देता है, जिससे गंदगी होने से ये आपके स्किन से रोकता है। अब बात करते हैं स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, तो सबसे बेस्ट माना जाता है आलू। आलू का जूस आप लें और उसे अपने दाग धब्बे पर लगा लें, इससे आपके दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। सेकेंड टिप्स में आपको लेना है टोमेटो। टोमेटो भी नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। इसको कट्स कर लेंगे, इसके पेस्ट को हम अपने पिंपल्स के जहाँ भी दाग धब्बे हों वहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्किन आपकी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद से हम लेंगे चावल का आटा
और उसमें ऐड करेंगे हम 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर, दोनों को मिक्स करेंगे और एक पैक बना लेंगे। आप इसे पूरे फेस पे अप्लाई करें, पिंपल किस जगह पे अप्लाई करें, ये आपके दाग धब्बे को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी अगर आप ये रूटीन डेली फॉलो करते जब तक आपके पिंपल्स ठीक ना हो जाएं, तब तक आपको इन्हें अप्लाई करना। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।